भाई ये देखो भाई ये देखो। बेटा की हाल चाल है, तुझे आशीर्वाद मिला? क्या आशीर्वाद होता वो देखो। अच्छा यार, वाह वाह कितना खूबसूरत है। हाँ मैं अपने बाकी साथियों को बुला के लाता हूँ। वसंत का बुलावा आया है। वाह आखिर बसंत आ ही गया। चलो मेरे पास एक तरीका है, कल हम बसंत के मौके पर इन खूबसूरत फूलों का स्वागत करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, यकीन मानो बहुत मजा आएगा। एक तरीका है, अगर मैं कुछ ताजे और स्वादिष्ट फलों का इंतजाम करूं तो तुम लोगों का क्या कहना है? अच्छा है ना? क्या ये बढ़िया रहेगा। ध्यान से सुनो, तुम दोनों को मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। बबलू और डब्लू तुम दोनों जाकर चिंटू तक खबर पहुंचा दो। बाबू फलों का बंदोबस्त करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है महाराज। ठीक है, सब तय हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। ओह कितना प्यारा पेड़ है, ऐसे खिलने का एक मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन जो काम मुझे दिया गया है वो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है चलो काटने का काम शुरू। अब क्या हो गया, ये खराब हो गया। तू एक कबाड़ का माल है, मेरा काम खराब कर दिया। हेलो कौन है? तुम्हारा बॉस। कैसे हैं सर जी? तुम आज फिर मेरा काम नहीं कर पाए। लखा अपने वादे से मुकर गए क्या? बताओ। ये ऐसी बात नहीं है, वो मेरी आरी बिगड़ गई है। उन जंगली जानवरों ने मेरी आरी खराब कर दी है। तुम्हारा पीछा नहीं छूटा उनसे अब तक? नहीं सर जी। वो लोग तुमसे ज्यादा होशियार मालूम होते हैं टकले लखा। तुम्हारे लिए एक और काम है, किसी भी तरह उन जानवरों को उस जंगल से साफ कर दो एक बार में। फूलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फल मेरी कमजोरी है, मुझसे तो रह नहीं जा रहा है। मुझे लगता है ये अपनी जिंदगी का सबसे यादगार पल बनेगा। क्या कर रहे हैं? मुझसे रह नहीं जा रहा है। एक बात कह सकता हूँ, तू नादान है, मजे कर। सर ने तो मुझे इनका काम तमाम करने को कहा था, मुझे जल्द से कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। एक मिनट, क्या इन्होंने फूलों की बात की? क्या तरकीब आई है? जो यंत्र मैंने कल बनाया था शायद वो मेरा काम आसान बना दे। ये तो दाएं हाथ का खेल होगा। स्वागत है बसंत ऋतु का और स्वागत है आप सभी का। वक्त आ गया है साल के सबसे खूबसूरत मौसम का जश्न मनाने का। ये मेरा अब तक का सबसे पहला बसंत जश्न है। इस जश्न का मुखिया होने के नाते मैं आपको हमारे अपने खास मेहमानों से रूबरू कराता हूँ। तो उन लोगों को हमारे भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोगों में तमीज नाम की चीज है या नहीं? बबलू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह पेश आने की? नमस्ते मित्रों। नमस्ते। क्या चाहिए लखा के बच्चे? शांति रखो जरा साहब, मैं ठंडे मिजाज से आया हूँ। क्या मैं इस पार्टी में शामिल हो सकता हूँ? देखो मैंने तुम लोगों के लिए क्या लाया है। क्या पेट पूजा का क्या? ये पेट पूजा से ज्यादा मजेदार है, ये खेल तुम्हारे होश उड़ा देगा। अब मैं ताशा बजाऊंगा और जब मैं बजाना बंद करूं तो जिसके हाथ में शरबत होगी उसे यहाँ आकर कुछ पेश करना है। अगर वो पेश नहीं कर पाया तो वो शरबत तीन बार पिएगा। ठीक है? इसका मतलब खाना नहीं? खाना भूल जाओ, ये मेरा खास और ताजा फलों वाला शरबत है। एक मिनट, लेकिन हम तुम पर यकीन भी कैसे कर लें? तुमने पहले भी बहुत बार धोखेबाजी की है हम लोगों के साथ। तुम जाओ तो मैं सबूत दे सकता हूँ। देखा मैं ये शरबत पी गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम चंगा हूँ। है ना बढ़िया? ये शरबत अलग अलग प्रकार के अतरंगी फलों से निचोड़ी गई है, कोई इसे पीने से खुद को रोक नहीं पाएगा। और अगर सब तरकीब के मुताबिक चला तो ये सब बददिमाग जानवर ठीक से चल भी नहीं पाएंगे और तब मैं मारूंगा बाजी। ए? 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 ए?
बबलू ये लो। मिल गया। आ जाओ बबलू, अब तुम ठुमका लगा लो। बबलू की लगी बैग। हाँ, अगर तुम लोग इतना कह रहे हैं तो मैं कुछ कर ही देता हूँ। ठीक है, गुस्सा की माफ करना। लगता है मेरे कान के पर्दे। ये तो एक नमूना था। ठहर जा गंदे भालू, मेरी भी बारी आएगी। ठीक है, मैं एक जादूगर हूँ, तो मेरी बदली बबलू चीख कर बताएगा। वो देख। अरे यार। ये लो डब्लू। डब्लू तेरी तो लग गई। चलो डब्लू, अब तुम क्या पेश कर सकते हो? मुझे और सा वक्त दो। नम 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 नम। मुझे और शरबत चाहिए। अगर वो पेश नहीं कर पाया तो वो शरबत तीन बार पिएगा। मैं चालाक हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ सोच नहीं रहा। ठीक है, तुम्हें शरबत तीन बार पीनी पड़ेगी। हाँ, तुम कह रहे हो तो मैं पी लेता हूँ। छोड़ो इसे, ये पूरा पी लेता हूँ। डब्लू तो पूरा शरबत खत्म कर देगा। मुझे तो एक ग्लास। उसने जानबूझ कर किया ऐसा। अपनी पीठ तपानी चाहिए। औलादों, क्या बात है। तुम फिर मेरे जाल में फंस गए। मुझसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है। बेवकूफ कहीं के। टकले लखा, तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम मुझसे पहली बार मिले हो? ठीक है, अगर इतनी नफरत है तो पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग अब तक इतने सिर कैसे खड़े रह सकते हो? हमें कुछ नहीं हुआ है, शायद तुमने कॉल नहीं किया। हमारा पेट नहीं तबेला है। तो टकले रखा, मुझे अच्छी तरह से बताया कि तू किस विराग में था। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें पागल बनाओगे? क्या मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? और चाहे जो भी हो, यह मेरा अब तक का सबसे स्वादिष्ट शरबत था। पकड़ो रखा। भाग सके तो भाग ले। अगर तुम दोनों बददिमाग भालू सोचते हो मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा, फिर तुम गलत हो। लो एक और स्वादिष्ट चीज। मैंने कुछ दिन पहले इस पेड़ से छिड़खानी की थी। किसने सोचा था कि ये पेड़ तुम दोनों को बर्बाद करने का कारण बनेगा? तुमने जिस धुएं की अभी अभी सांस ली, वो मैंने हजारों हानिकारक फूलों से निचोड़ के बनाया। तुम्हें साथ में आसमान पर उड़ने का अनुभव नहीं हो रहा? और फिर मैं इस मिश्रण को अकेला थोड़ी छोड़ सकता था, मैंने इसमें कुछ और भी मिलाया है। कौन है? मैंने कहा ना मैं मसरूफ हूँ। लखा, मुझे तुम्हारा सामान कब तक मिलेगा? अरे सर, दिमाग को ठंडा रखिए, मेरे पास एक बढ़िया खबर है। नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो? अरे सर, आपको खुशी होगी ये जानकर कि उन बदबूदार भालू और उनके साथियों को मैंने अपने शिकंजे में लपेट लिया है। हाँ सचमुच सर। जल्दी से उनको मेरे पास भेज दो, बाजार में अच्छे दाम में उनकी नीलामी कर दूंगा। तुम्हें भी मलाई खाने को मिलेगी। मलाई? अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। मैं हूँ मालामाल, मैं हूँ मालामाल, मैं हो गया मालामाल। ए लखा, इस शरबत का असर कब तक उतरेगा बोलो? शाम तक की उम्मीद रखो गंदे भाई। वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। मैं तो पूरे दिन यहाँ आराम फरमा कर खूबसूरत नजारे देखूंगा। इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं?
वाह 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 वाह।